हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सबके फेवरेट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी गुलाब जामुन। इन्हें देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये सूजी से बने हैं? नहीं ना, तो इस दिवाली गुलाब जामुन रेसिपी ट्राई करना तो बनता है ना फ्रेंड्स। आई नो इस कोरोना में आप भी मेरी तरह बाहर खाने से अनसेफ फील करते हैं, बट टेंशन ना लें। आज मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट स्टाइल गुलाब जामुन कैसे बनाएं, वो भी घर पे। बहुत से लोगों के गुलाब जामुन अच्छे से नहीं बन पाते, किसी के फट जाते हैं, किसी के सॉफ्ट नहीं बनते। तो गाइज, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपके गुलाब जामुन 100% जैसे आपको चाहिए बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बाय क्लिक ऑन बेल आइकन। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए इस तरह के बर्तन में 2.5 कप पानी को डालें। अब इसमें 2 कप चीनी ऐड करें। इसे अच्छे से मिला दें। फ्लेम को हाई ही रखें। अब इलायची पाउडर ऐड करें इसमें। गाइज, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, बट इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हम इसे चलाते हुए बॉईल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अगर हम बिना चलाए चाशनी को पकाएंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा, तो ध्यान रखें इसको लगातार चलाते रहें जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए और एक बॉईल ना आ जाए। गाइज, ये देखिए बॉईल आ चुका है। अब इसे ढककर 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमें चाशनी को ज़्यादा पतला नहीं करना है, वरना हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। मैंने चाशनी को यहाँ पे 5 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। चाशनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी चिपचिपाहट वाली होनी चाहिए। ऐसे छूने पर आपको थोड़ा तेल जैसा फील होगा, चिपचिपाहट, तो इसका मतलब है हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम को बंद कर दें और इसे एक साइड रख दें। अब हम गुलाब जामुन बनाने के लिए सूजी का डो तैयार करेंगे। उसके लिए गर्म पैन में 1 चम्मच घी डालें। इसे अच्छे से मेल्ट करें। अब इसमें 1 कप दूध को डालें। दूध को हाई फ्लेम पर चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक एक बॉईल ना आ जाए। अगर आप इसे चलाते हुए नहीं पकाएंगे तो दूध पैन में नीचे लग जाएगा, तो ध्यान रखिए इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। ये देखिए गाइस, दूध में बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक वाली सूजी। सूजी 2 तरह की होती है, मोटी भी होती है, बारीक होती है, तो इसमें फाइन वाली सूजी ही यूज़ करें। हमें सूजी को धीरे धीरे दूध में डालना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे और फिर हमारे गुलाब जामुन सॉफ्ट और स्मूथ नहीं बनेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक ये पैन से अलग ना होने लगे। ये देखिए गाइस, डो पैन से अलग हो चुका है। इट मींस डो हमारा रेडी है गुलाब जामुन बनाने के लिए। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब डो को ठंडा होने के लिए अलग रख दें। ध्यान रखें डो को हमें पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, वरना गुलाब जामुन हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। डो हमारा हल्का ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे मसलना है और एक स्मूथ डो तैयार करना है, जिससे जो हमारे गुलाब जामुन है वो बिल्कुल स्मूथ बने, उनमें कोई क्रैक्स ना हो। ये देखिए गाइस, डो हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है गुलाब जामुन बनाने के लिए। अब हम डो का एक स्मॉल पोर्शन लेंगे और गुलाब जामुन को बनाएंगे। ध्यान रखें गुलाब जामुन बनाते वक्त इसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, वरना हमारे जो गुलाब जामुन है वो फट जाएंगे। ये देखिए गाइस, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही गुलाब जामुन बनाने हैं जिसमें कोई क्रैक्स ना हो। मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, दूसरा गुलाब जामुन भी बिल्कुल मैंने ऐसे ही बना लिया। सारे गुलाब जामुन मैं ऐसे ही बना लूँगी। गाइस, ये देखिए मैंने सारे गुलाब जामुन इसी तरह बना लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने पैन में तेल चढ़ा लिया है। अब हमें एक एक करके गुलाब जामुन गर्म तेल में डालने हैं। ध्यान रखें तेल हमारा ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, वरना हमारे गुलाब जामुन अंदर से अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें। हमें गुलाब जामुन को बिल्कुल नहीं हिलाना है जब तक नीचे से लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखिए गाइस, नीचे से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब आप इन्हें टर्न कर दें।
हमें गुलाब जामुन को मीडियम फ्लेम पर जब तक पकाना है जब तक कि बाहर से गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। गाइज लुक एट द गुलाब जामुन, कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। इट मीन्स हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब गुलाब जामुन को तैयार की हुई गर्म चाशनी में डालें और इसे 30 मिनट के लिए अलग रख दें। ये देखिए गाइस, गुलाब जामुन ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। इट मींस गुलाब जामुन हमारे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इन्हें एक बाउल में सर्व कर लें। वाओ, जस्ट वाओ, कितने अच्छे लग रहे हैं गुलाब जामुन देखने में। अब हम इन्हें गार्निश करेंगे कटे हुए बादाम से। गाइज ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप चाहे तो ना करें। अब मैं एक गुलाब जामुन आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है अंदर से। ये देखिए गाइज, जस्ट वाओ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कब बना रहे हैं इस रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।